समता सैनिक दल के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद। जी सर, आप कहाँ से हैं? जी, मैं खुर्जा से हूँ। जी जी, जिला खुर्जा किस जगह से हो आप? मैं खुर्जा गांव बकराई से। अच्छा, जहाँ बाबा साहब का वो जगह वगैरह है 150 बीघा, वो वहाँ से नहीं, बकराई को खुर्जे में है। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जी, ऐसा है, आप अभी बोल रहे थे कि ये संगठन बटा हुआ है या ऐसा है, हमने 4 बार चुनाव कर दिया है जी इस संगठन। जी, जो भी हैं, जो भी सैनिक हैं, सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं हम जी, वो टेक सिंह गौतम जी के उसमें हैं जी। तो हम जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मानते हैं जी, वो टेक सिंह गौतम जी को ही मानते हैं जी। यही हमारा आपसे कहना है। आप जो सभी साथी यहाँ हैं समता सैनिक दल के सिपाही, आप ये बताइए, उसका प्रस्ताव हुआ था या व्यक्तिगत मान रहे हैं? प्रस्ताव हुआ था, प्रस्ताव हुआ था। पास समता सैनिक दल का जो थोड़ा बहुत मैंने संविधान पढ़ा है, उसमें 3 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। AR जोशी जी जब थे, जब मैं समता सैनिक दल में, और गुरुचरण सिंह जी थे, उमेश सिंह गौतम जी जेब में, तो उसकी 10 रुपये नहीं है, और मुँह खाली कनस्तरों की तरह बोल रहे हैं, वो बाल उसके फूके पड़े हैं। सेना वो चलती है जिसका सेनापति मजबूत होता है। आप लोगों के सेनापति मजबूत नहीं है, नेट का आप सहारा नहीं ले रहे, सोशल मीडिया का सहारा नहीं ले रहे हैं आप, बताइए आप कैसे करेंगे? अरे पेटीएम है का 10-10 रुपए का आह्वान करोगे, करोड़ों रुपए मिनटों में आता है लोगों पे। एक काम तो करके दिखाइए आप, समाज खूब रुपए लगा रहा है, लेने आ नहीं रहे लोगों पे पैसे। हाँ जी, बताइए सर, आप भी एडवोकेट हैं आप? मैं अतर सिंह एडवोकेट जी, और जो मुलजिम जेल में होते हैं उनका सरकारी वकील जी जी, और मैं बाबा साहब का प्रचार करता हूँ, बाबा साहब की बैरिस्ट्री भाग 1, भाग 2, भाग 3 जी, जो शेख चिल्ली के साथ बनी हुई है, उसके द्वारा मैं बाबा साहब का प्रचार करता हूँ जी जी। और 2016 से मैं बाबा साहब का रोल करता हूँ। मेरा एक निवेदन है आपसे, क्योंकि देखिए आप वकील हैं, मुझे कानून बताने की कोई जरूरत नहीं है, जितना प्रचार आप गांव-गांव में करेंगे, मैं 18 मार्च 1956 को बाबा साहब को लाइक करता हूँ, उसी से मैं 2008 से गांव-गांव प्रचार कर रहा हूँ, अपने पैसे से, किसी का कोई संगठन नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब तक आप अपनी पोस्ट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते गांव के अंदर, जब तक आप कुछ भी बन जाइए। मैं 2016 से जी हर अधिकतर गांवों में जाता हूं जी, और 14 अप्रैल को इस साल में कंकरखेड़ा, मेरठ, मेरा और करनाल, और 13 अप्रैल को बुलंदशहर धाम बालागढ़ में जी, और मुरादनगर। तो मैंने उद्देश्य ये है कि जितना भी हो सके आप में एकता हो, संगठित रहो, और जब हम संगठित रहे। 100 साल में देश की सबसे बड़ी सत्ता बन चुका, देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। हमारे सामने समस्या ये है कि हम संगठित होने के बाद में संगठित नहीं रह पाते हैं जी, कुछ हमारे जो पदाधिकारी कमी मान लो, या हमारे समाज में कमी मान लो, तो कुछ ना कुछ कमी जरूर है, जो विपक्ष हमारे से आगे निकल गया और हम पीछे के पीछे, जबकि हम RSS से, हमारे जो समता सैनिक दल है, ये पहले तैयार हुई थी जी जी, तरक्की हमारे जो पदाधिकारी है उनके कमजोर जी। वकील साहब, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा आज किसी भी दल का निर्माण हुआ, वो सबसे पहले तो दूसरों की बुराई शुरू कर देगा, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेगा। हम बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए संगठन बनते हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन बनते हैं, लेकिन हम समाज की लड़ाई कम और अपनी लड़ाई ज़्यादा लड़ते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बाबूजी, कब से हैं आप समता सैनिक दल में? मैं करनावल में किस टाइम शुरू, सबसे पहले करनावल में समता सैनिक दल करनावल से चला गया। ये जो करनावल है, ये करनावल सरोवर के पास मैं वहाँ गया हूँ, एक साइड में कृष्ण मंदिर बन रहा है, एक साइड में बुद्ध विहार बनाया जा रहा है, वही है ना करनावल? हाँ है जी, वहाँ करनावल में एक साइड में कृष्ण का बहुत बड़ा, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं वहाँ जगह का बनाया थी आप, ठीक है ना, और एक साइड में बुद्ध विहार का निर्माण वहाँ जारी है। तो सवाल ये है कि हम युवाओं में बाबा साहब की विचारधाराओं को पहुँचा नहीं पा रहे, हम अपनी पोस्ट पे, कद पे और पद पर ज़्यादा हम सीमित हैं, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। लेकिन आप लोग प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोगों के साथ है, मीडिया का साथ दीजिए, संगठन का जो पेटीएम नंबर है रजिस्टर्ड, उस पेटीएम नंबर को सभी लोग अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक पर चलाएं, और जिस सज्जन पर 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये भी दिए जाएँ, वो सीधे भीमराव साहब के, आपके जो संगठन है दिल्ली का, उसके अकाउंट में आएँ। आप सब लोग ऐसे मांगेंगे तो बहुत पैसा होगा। अभी हमारे गाजियाबाद नवेडा के अंदर सेक्टर 11 का बुद्ध विहार का मुद्दा था, 1 करोड़ रुपया उसमें लोगों ने दिया, वो घर घर थोड़ी गए मांगने के लिए,
लोगों को आह्वान करा तो लोगों ने उनको सहयोग भी करा कि भाई हाँ ये बुद्ध विहार है। तो मेरा आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना, और आज जो आप सब लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आगे हमारा जो प्रचार है वो मीडिया के माध्यम से ही होता है। जी जी धन्यवाद, जय भीम।